वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है सॉल्यूशन की, किसकी? सॉल्यूशन की। सोल्यूशन की फिक्स्ड अमाउंट है, इसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है। ये मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, मोल्स में भी हो सकता है। तो कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है सोल्यूशन में, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बेटा? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given amount of solution is called concentration। तो concentration को express करने के different terms हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे mass percentage और इसी के साथ पढ़ेंगे mass fraction। mass percentage पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे mass fraction, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज और इसी के साथ पढ़ेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। थर्ड नंबर पे बेटा पढ़ने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ये भी पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे पढ़ेंगे मोलैरिटी। के साथ ही एक और वर्ड पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। उसके बाद बेटा सेवन्थ नंबर पे पढ़ेंगे मोलैलिटी। के साथ ही एट्थ नंबर पे पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद पढ़ेंगे नाइन्थ नंबर पे स्ट्रेंथ। तो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे नीट में, JEE में या फिर CBSE बोर्ड में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी जो लिखा हुआ है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख सकते हैं बेटा। चलिए लिख लिया बेटा, चले आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा मास परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे मास परसेंटेज। चलिए मास परसेंटेज पढ़ेंगे सबसे पहले, मास परसेंटेज और मास फ्रैक्शन। परसेंटेज तो पता होगा बेटा, अगर आपके मान लीजिए 500 मार्क्स का पेपर है और आपके 490 मार्क्स आए हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी? कैसे निकालते हैं? जितने मार्क्स आए हैं वो ऊपर और नीचे टोटल मार्क्स, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो कितना आंसर आएगा बेटा? 98%। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला जो नंबर दिया हुआ है वो है मास ऑफ सोल्यूट। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूशन, वो कैसे अभी एक्सप्लेन करते बेटा? अभी एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोल्यूशन है और सोल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है? फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है तो परसेंटेज कितनी आएगी बेटा? 2%। और अगर सोल्यूशन 200 ग्राम है तो परसेंटेज कितनी आएगी? 1%। क्लियर है? 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। तो मास परसेंट किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल 4% ऑफ NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या है? 4% NaOH सॉल्यूशन का मतलब है 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये हो गया बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद आगे पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके 490 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, आप इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये क्या है, मास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 4/100, ठीक है जी, कटिंग करने के बाद कितना आएगा, 1/25, तो ये क्या है, मास फ्रैक्शन है, ठीक है जी। मास फ्रैक्शन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी बेटा, इजी है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, चलिए स्टार्ट करें वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कुछ नहीं है, बट जहां पे आपने मास लिखा है वहां पे आप क्या करेंगे, वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है जी। जैसे कि मास परसेंटेज कहाँ यूज होता था, ऐसे सॉल्यूशंस में जहाँ पे सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का मास हो, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि अलॉयज वगैरह हो गया, तो वॉल्यूम परसेंटेज कहाँ यूज होगा, जहाँ पे दोनों चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होंगी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, तो वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर हो गया, सेम टू सेम मास जैसा ही है, बस उसमें आपने ग्राम्स लिया था, तो यहाँ पे लीटर या मिलीलीटर लेंगे। फॉर एग्जांपल 35% ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होता है बेटा, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इथाइलीन ग्लाइकोल 35%, मान लीजिए कि 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें 35 ml क्या है, 35 ml इथाइलीन ग्लाइकोल है, 35 ml ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर है बेटा। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करें, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर भी सॉल्यूट का वॉल्यूम और नीचे भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया वॉल्यूम फ्रैक्शन बेटा। वॉल्यूम परसेंटेज भी अगर क्लियर हो गया है तो नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यूज किया जाता है लिक्विड सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, द नेक्स्ट टॉपिक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा अभी तक तो इजी है, आसान है, बढ़िया लग रहा है, चलिए आगे करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा मास बाय वॉल्यूम, अब इसमें चक्कर क्या है कि ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम, यानी के मास किसका, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कहाँ यूज होगा, जब सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया गया है, लिक्विड सॉल्यूशन में, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज किया जाता है। कर लिया बेटा, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, मास परसेंटेज मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन, आप पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मोल फ्रैक्शन। बेटा जिस तरह से आपने मास फ्रैक्शन पढ़ा था, सेम टू सेम उसी तरह से अब पढ़ेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। पहले पता हो कि फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक पिज़्ज़ा है और एक पिज़्ज़ा के 4 slices है, कितने स्लाइस है, 4 slices है, और उसमें से मैंने एक स्लाइस खा लिया, तो एक स्लाइस चला गया पेट में, तो मेरे पास कितना पोर्शन आ गया, 1/4, एक पिज़्ज़ा का 1/4 मेरे पास आ गया, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन। तो जो बचा है ये वाला जो पूरा पोर्शन बचा है, ये कितना बचा, 3/4, तो ये भी फ्रैक्शन है। टोटल सॉल्यूशन के 4 parts थे, मान लीजिए अब मैं पिज़्ज़ा की जगह इस सॉल्यूशन में मोल्स यूज़ करता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 सॉल्यूट भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम कंपोनेंट ले लेते हैं A और दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं B,
तीन कंपोनेंट होंगे तो तीसरा कंपोनेंट कौन सा लेंगे, सी। फॉर एग्जांपल हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी तो हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक का नाम रखते हैं ए और दूसरे का नाम बी। ए को रखते हैं सॉल्यूट और बी को रखते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है? तो हम मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी टोटल सॉल्यूशन के मोल्स को रखा जाएगा नीचे, टोटल सॉल्यूशन के मोल्स को रखा जाएगा नीचे, कितने, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। तो टोटल मोल्स हो गए सॉल्यूशन के, ऊपर किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का, तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसे रखेंगे ऊपर। मोल फ्रैक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका और एक ही मात्र तरीका यही है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को रखें ऊपर, और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनके मोल्स को रखेंगे बेटा नीचे, तो मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से, तो ए का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा तो क्या करेंगे, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स रखें ऊपर और सॉल्यूशन के मोल्स रखेंगे नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा मास फ्रैक्शन में तो मास लिया था ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ ए ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। मान लो कोई भी कंपोनेंट है उसका मास रखेंगे ऊपर और मॉलिक्यूलर मास रखेंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। और अगर बी के मोल्स निकालने हैं तो मास ऑफ बी रखेंगे ऊपर और मॉलिक्यूलर मास रखेंगे नीचे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मैंने अगर एक पिज़्ज़ा के फोर पार्ट्स किए थे और एक चला गया पेट में बेटा, एक चला गया पेट में और तीन अपॉन फोर थे प्लेट में, तो टोटल कितने हो गया, अगर इनको प्लस किया जाए तो टोटल था वन, एक ही पिज़्ज़ा था। इसका मतलब है कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस आपके पास आएंगे उनका प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, चलो देख लेते हैं कितना आंसर आता है। इन दोनों को हमने मोल फ्रैक्शंस को प्लस किया तो डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर आपस में प्लस कर दिए जाएंगे, एन ए प्लस एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, तो कटिंग करने के बाद आंसर आ गया वन। यानी कि दोनों का, दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, वन। यानी कि मोल फ्रैक्शन कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता, याद रखिए मोल फ्रैक्शन कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपकी वैल्यू वन से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। अगर मेरे पास ए का मोल फ्रैक्शन आ चुका है तो मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए, तो इजी है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन आपको आ चुका है तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना इजी है। फॉर एग्जांपल ए का मोल फ्रैक्शन अगर आपके पास 0.25 आया तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 - 0.25 इज इक्वल टू 0.75 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, मोल फ्रैक्शन क्लियर है, मोल फ्रैक्शन अगर क्लियर हो गया बेटा तो आगे चलें। तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अच्छा जी, छाप लिया बेटा आपने, चलिए छाप लिया है तो जल्दी करें आगे चलें, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर ना हो, तो हम टॉपिक भी पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, समझ भी आएगी। और चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 4% NaOH सॉल्यूशन, 4% NaOH सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है तो देखिए 4% का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ NaOH कितना है, 4 ग्राम। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स NaOH के, और क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर भी इसमें मिलेगा आपको, तो 4% का मतलब होता है कि मास ऑफ NaOH कितना है, 4 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, तो इसमें मास ऑफ वाटर कितना होगा, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं NaOH के तो किसके इक्वल होगा, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, यानी 4/40। NaOH का बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40, तो कितना आएगा, 0.1 मोल्स आगे NaOH के।
अब वाटर के मोल्स निकालने हैं तो वाटर का मास रखेंगे ऊपर और मॉलिकुलर मास रखेंगे नीचे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे आएगा 5.33। तो मोल फ्रैक्शन अगर NaOH का निकालना है बेटा तो मोल्स रखेंगे NaOH के ऊपर और टोटल मोल्स रखेंगे नीचे। तो जैसे ही इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे 5.43, तो कैलकुलेशन करो बेटा कितना आंसर आता है, कितना आंसर आया 0.018 आंसर आएगा बेटा इसका 0.018। तो मोल फ्रैक्शन आया 0.018। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे यूनिट कोई नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? यूनिट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया आपने। तो जब दोनों सेम क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होती हैं तो यूनिट कैंसिल होते हैं, तो मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। अब मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? ये मोस्टली वहाँ किया जाता है जहाँ गैसीय सॉल्यूशन हो या वेपर प्रेशर हो। तो मोल फ्रैक्शन इज यूज्ड इन गैसीयस सॉल्यूशंस और वेपर प्रेशर, जहाँ वेपर प्रेशर यानी जो चीज़ गैसियस फॉर्म में किसी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व्ड है वहाँ पे मोल फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी क्या है बेटा, लिख लिया, नोट कर लिया, चले आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है बेटा मोलैरिटी, नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलैरिटी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोलैरिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी पढ़ना है। मोलैरिटी क्या होती है? मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना सॉल्यूशन है आपके पास? 1 लीटर। अब इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या होगा इसका बेटा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो लीटर में अगर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाइंग करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर मास क्या है? MB। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट टर्म्स हो गई। अब यूज़ करेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल M से। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और ऊपर क्या आएगा? 1000। तो ये फार्मूला बन गया मोलैरिटी का। क्लियर है बेटा? मोलैरिटी का फार्मूला क्लियर हो गया। मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा वॉल्यूम मोलैरिटी का। चलिए ये लिख लिया बेटा, नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल लिखो बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, लीजिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन 500 ml सॉल्यूशन containing 9.8 gram of H2SO4।
जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है कितना 9.8 ग्राम। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलैरिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में, बेटा याद रखना वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000 लगेगा। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98, और नीचे रखेंगे 500, 9.8 और 98 कट हो गए कितना हो गया नीचे 10, 500, 1000 से गया पर कितना आ गया 2, तो 2/10 इज इक्वल टू 0.2 मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी का यूनिट या तो कैपिटल एम यूज़ कर सकते हैं या फिर मोल पर लीटर। क्लियर है बेटा, मोलैरिटी क्लियर हो गई, मोलैरिटी का फार्मूला क्लियर हो गया। चलिए बेटा, अगर आपको मास परसेंट और डेंसिटी गिवन है और आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सा फार्मूला है x मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई 10 ओवर mb। अभी बताते हैं ये क्या क्या चीज़ है। मान लीजिए 98% H2SO4 है बाय मास आपके पास, और डेंसिटी है उस सॉल्यूशन की 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है 98, और डेंसिटी कितनी है 1.8, और मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98। तो मोलैरिटी जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा 98 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 98। कटिंग करने के बाद बेटा कितना आ गया 18 मोल पर लीटर मोलैरिटी आ गई बेटा। क्लियर है बेटा, मोलैरिटी क्लियर हो गई। अब मोलैरिटी के और भी न्यूमेरिकल्स और भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे, बट पहले इसको लिख लो, चिपका लो। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया बेटा, चले। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और 0.1 मोलैरिटी है उसकी, और आपने इसमें क्या किया 400 मिलीलीटर वाटर, प्योर वाटर ऐड कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया बेटा। पहले मोलैरिटी थी इसकी M1, वॉल्यूम था V1, अब ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है 500 मिलीलीटर, अब वॉल्यूम हो चुका है V2, तो अब आपकी मोलैरिटी भी चेंज हो चुकी है। तो मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला क्या है इसका, M1V1 = M2V2। तो इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी 0.1, वॉल्यूम कितना था 100, मोलैरिटी अब कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम अब कितना हो चुका है 500, तो M2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10/500 यानी कि 1/50 मोल पर लीटर इसका आंसर आ गया बेटा। क्लियर है बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं आपके पास, एक का वॉल्यूम है मान लीजिए 100 मिलीलीटर और दूसरा एक और सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर। जो 100 ml है उसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.1 m है, ऐसे ज़्यादा मान लो 0.2 मान लेते हैं, चलो 0.2 m मान लेते हैं, और इसका कंसंट्रेशन हम 0.1 m मान लेते हैं। क्लियर है, दो का सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं इन सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं तो मोलैरिटी कितनी आएगी, देखो पहले मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम तब था उसका V1, अब मोलैरिटी एक और सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2, तो दोनों को ऐड करने के बाद वॉल्यूम कितना आया है 300 मिलीलीटर, तो इसकी मोलैरिटी हमने निकालनी है। क्लियर है बेटा, तो फार्मूला क्या आएगा, M3 × V1 + V2 = M1V1 + M2V2, ये फार्मूला है बेटा, फार्मूला है, याद करना है ठीक है। उसके बाद देखो वॉल्यूम कितना है, दो है, एक 100 है और दूसरा 200 मिलीलीटर है। M1 की वैल्यू कितनी है 0.2, V1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस
एम टू की वैल्यू कितनी है 0.1 और उसकी वॉल्यूम कितना है 200, तो एम थ्री मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20 + 20 इज इक्वल टू 40, तो एम थ्री इज इक्वल टू 40/300 बेटा कितना आ गया 4/30, ये मोल पर लीटर मोलैरिटी आ गई बेटा। क्लियर हो गई मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी अगर दो सॉल्यूशंस मिक्स कर दिए जाए तो मोलैरिटी चेंज होगी और मोलैरिटी कितनी आएगी वो भी हमें पता चल गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फॉर्मेलिटी। क्या था, क्या था बेटा? फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी करेंगे अब। जैसे ही आपने मोलैरिटी पढ़ा था सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मेलिटी है, जैसे मोलैरिटी था वैसे ही फॉर्मेलिटी है। मोलैरिटी वर्ड यूज़ किया जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए। ठीक है, मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल्स किसके होते हैं? मॉलिक्यूल्स के, और मॉलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जबकि फॉर्मेलिटी किस में पाई जाएगी? फॉर्मूला यूनिट मास के लिए। फॉर्मूला यूनिट मास किसका होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला यूनिट मास होता है। जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज़ किया जाता है। और आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? NaCl, KCl, ठीक है जी, K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट, ये सब के सब क्या है? आयनिक कंपाउंड्स है। बेटा रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही। ठीक है बेटा, NaCl, KCl, K2SO4 ये आयनिक कंपाउंड है। अब इसका कितना मास होगा? 23 + 35.5 = 58.5। बट आजकल हम मोलैरिटी ही यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं यूज़ करते, क्योंकि 58.5 जो है वो मॉलिक्यूलर मास ही ले लिया जाता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मेलिटी मोलैरिटी सब क्लियर है। अब इसके बाद पढ़ेंगे मोलैलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलैलिटी। चलो मोलैलिटी पढ़ेंगे बेटा। मोलैलिटी, मोलैरिटी जैसा ही एक और वर्ड आ गया मोलैलिटी। तो इसमें हमने क्या करना है? 1 kg सॉल्वेंट है मेरे पास, 1 kg क्या है? सॉल्वेंट है। इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? मोलैलिटी होगी। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें देखो एक चीज़ है कि सॉल्वेंट हमने पहले लिया, पहले सॉल्वेंट लिया फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए, बट मोलैरिटी में क्या था कि सॉल्यूशन था हमारे पास, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे पहले हमने सॉल्वेंट को मेजर किया है फिर सॉल्यूट डाला है, यानी कि पहले सॉल्यूशन बाद में बनेगा, पहले हमें सॉल्वेंट का पता होगा कि इतनी अमाउंट है सॉल्वेंट की। तो मोलैलिटी जो है बेटा, फिर उसका फार्मूला क्या होगा वो तो पता ही है, ऊपर क्या रखे जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें, किसमें बेटा? किलोग्राम में, केजी में। अगर ग्राम्स में है तो फिर क्या करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? ग्राम्स में। अगर ग्राम्स में है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड, तो 1000 चला गया ऊपर। क्लियर है बेटा? अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होते हैं ये तो पता ही है आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। और मास ऑफ सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है WA से। तो फार्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी का? मोलैलिटी को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ऊपर रखा जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई WA, ये हो गया फार्मूला। ठीक है जी, और इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी, मोल पर केजी इसका यूनिट होगा बेटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है,
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और भी ऐसी और भी काफ़ी सारी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगर कमेंट ना भी करेंगे तो भी मैं तो वीडियो नेक्स्ट डाल ही दूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ NaOH सॉल्यूशन है आपके पास, इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी किसके इक्वल होगी बेटा? यहाँ पे भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का बहुत बढ़िया सुपर ट्रिक मेथड बेटा, समझ लो। ये वैल्यू है x की, मॉलिक्यूलर मास का 40, तो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला है x मल्टीप्लाई 1000 ओवर MB, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 100 माइनस एक्स। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका? 40, और 100 माइनस 40 कितना हो गया बेटा? 60, तो 40 से कट गया, और 1000 अपॉन 60 यानी के 100/6 यानी के 50/3 मोलैलिटी आ गई, 50/3 मोल पर kg। क्लियर है बेटा, मोलैलिटी क्लियर हो गया। अब मोलैलिटी अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे चलेंगे? नॉर्मेलिटी पे बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मेलिटी। चलिए नॉर्मेलिटी को समझते हैं। नॉर्मेलिटी आजकल ये भी कम यूज होती है, ज़्यादातर मोलैलिटी को ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मेलिटी क्या है? मान लीजिए मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और मुझे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। बेस कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने चाहिए? देखो, एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 H+ छोड़ता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ही H+ चाहिए। यानी कि अगर दोनों मेरे पास 1 मोल है तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2 H+ छोड़ रहा है जबकि इसको 1 ही H+ चाहिए, तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 मोल H+ डोनेट करता है। अगर 1 मोल H+ हो, अगर 1 मोल H+ हो, यहाँ पे लिख देते 2 मोल्स, नीचे लिख देते हैं 1 मोल। अगर 1 मोल H+ चाहिए मुझे किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका मतलब है मुझे 1/2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो जो ऊपर है वो मोल है और जो नीचे है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, वो क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने जितने H+ छोड़े ये होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। अगर नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए तो आएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब 1 मोल का मास कितना होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का? 98, तो 1/2 मोल का कितना होगा? 49, तो ये होगा इक्विवेलेंट मास। कितना होगा? इक्विवेलेंट मास। अगर ये मॉलिक्यूलर मास है तो वो क्या है? इक्विवेलेंट मास है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्लियर हो गया। जब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं क्लियर होगा तब तक नॉर्मेलिटी का फार्मूला नहीं बनेगा। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ गई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बेटा। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या है? वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी जो है वो अगर निकालनी है तो वैलेंसी फैक्टर को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है, नॉर्मेलिटी को निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था PPM, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है नेक्स्ट? पार्ट्स पर मिलियन। चलिए, पार्ट्स पर मिलियन यानी के शॉर्ट फॉर्म में PPM। देखो यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब कि 100 में से वो चीज़ कितनी है, तो पर मिलियन का मतलब क्या होगा? 10^6।
जैसे परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे पर मिलियन निकालने के 10^6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है जी। वो कैसे ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट ऐसे ही निकालते थे मास परसेंटेज, और यहाँ पे रखते थे 100, तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे 10^6। ppm जो है वो सिर्फ मास के लिए ही नहीं बल्कि वॉल्यूम के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10^6, ये हो गया ppm बेटा। ppm की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है, ppm जो है ना बहुत थोड़ी, सॉल्यूट बहुत कम होता है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एयर पोल्यूशन के लिए बेटा। जब भी एयर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हो आप अपने व्हीकल का, तो उसमें ppm में कोई चीज़ दी होती है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी ppm में ही किया जाता है। अब ppm की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए 1 ppm है मेरे पास फ्लोराइड, फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाले पानी में फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। अगर 1 ppm है तो वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर टीथ, दांतों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। और अगर ये हो गए 1.5 ppm, थोड़ा सा तो इंक्रीज़ किया है, फिर क्या हो गया, अगर इंक्रीज़ किया तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, यानी कि दांत ख़राब हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन यूज़ की गई है तो ये रैट पॉइजन का काम करेगा, चूहे मारने के काम आएगा बेटा। तो इस इतना फ़र्क होता है बेटा। ppm जो है जस्ट ppm अमाउंट कितनी, 1 ppm कुछ भी नहीं होता, और अगर थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई तो वो रैट पॉइजन का काम करेगा, ठीक है बेटा। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे स्ट्रेंथ, ये चिपका लिया बेटा, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट स्ट्रेंथ क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आएगा स्ट्रेंथ पढ़ेंगे बेटा। तो स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, ऊपर रखा था मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लीटर में लेंगे, इन लीटर। मान लीजिए आपके पास 1 liter सॉल्यूशन है, कितना है 1 liter सॉल्यूशन है, और उसमें जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, सॉल्यूट का मास ग्राम्स में और वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो लीटर में, तो यूनिट होगा इसका ग्राम पर लीटर। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो कंसंट्रेशन कौन कौन सी टर्म चेंज होगी, याद रखिए मास और नंबर ऑफ मोल्स कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो वो चेंज नहीं होंगे। तो कौन सी चीज़ चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे किसी चीज़ को हीट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। अब कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, क्या मास परसेंटेज चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मास परसेंटेज तो सिर्फ मास पे डिपेंडेंट है। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, क्या वॉल्यूम परसेंटेज डिपेंडेंट है, यस डेफिनेटली है। उसके बाद है नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V%, डेफिनेटली है भाई, वॉल्यूम आ गया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, वॉल्यूम का कोई काम नहीं, तो यहाँ पे नो है। उसके बाद है बेटा मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी, हाँ बिल्कुल वॉल्यूम था उसमें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट था, यहाँ पे लिखते हैं 6th था मोलैरिटी, तो क्या मोलैरिटी डिपेंड करती है, नहीं बेटा, नीचे तो मास है इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करती। नॉर्मेलिटी डेफिनेटली डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। और लास्ट में था स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है। और एक ppm भी आया था, ppm अगर मास में है तो ठीक है, अगर वॉल्यूम में है तो वो करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे जिस पे क्रॉस लगा है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, जो टिक लगा हुआ है वो चेंज होते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। क्लियर है बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि स्ट्रेंथ की मोलैरिटी और मोलैलिटी,
इन दोनों का रिलेशन। चलिए पढ़ते हैं आगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन। एक है मोलैरिटी, एक है मोलैलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दोनों का रिलेशन क्या है? अगर मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी में चेंज करना है तो फार्मूला है बेटा 1/m = d/m - mb/1000। इजी है फार्मूला बेटा, मोलैरिटी और मोलैलिटी को कन्वर्ट करना है। m क्या, स्मॉल m क्या होता है? मोलैलिटी। कैपिटल M क्या होता है? मोलैरिटी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट mb, और d क्या है? डेंसिटी। d है डेंसिटी, ठीक है जी बेटा। अब हमने मोलैरिटी मान लो आपको 0.1 m दी हुई है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए कि मॉलिक्यूलर मास जरूरी है, इसलिए सॉल्यूट आपको गिवन होगा, और साथ में डेंसिटी है 1.2 g/ml, ठीक है बेटा। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, 1/m = डेंसिटी कितनी है 1.2, मोलैरिटी कितनी है बेटा, मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.1 माइनस मॉलिक्यूलर मास कितना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40, नीचे रखेंगे 1000, जीरो से जीरो कट हो गया। तो 1/m = 12 - 0.04, तो 1/m = 11.96, तो मोलैलिटी कितनी होगी 1/11.96 मोल पर केजी। तो ये आंसर आ गया बेटा। मोलैलिटी अगर आपको दी हुई है तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी अगर दी हुई है तो मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए क्लियर है, चले नेक्स्ट बेटा आ गया। अगर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों की वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 0.1 m है और 0.1 m है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मोलैरिटी है, ये क्या है? मोलैरिटी। और ये क्या है? मोलैलिटी। दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, किस में सॉल्यूट का अमाउंट कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी, मोलैरिटी में कि मोलैलिटी में? अब मोलैरिटी की बात करें तो इसमें सॉल्यूशन होता है जबकि इसमें सॉल्वेंट होता है। अगर दोनों की डेंसिटी 1 हो तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि इसमें अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड भी नहीं किए, तब भी सॉल्वेंट ज़्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट डालने के बाद है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो कम होता है, सॉल्वेंट अमाउंट लो होता है, और यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट हाई है। तो जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट लो होगा वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा? तो कंसंट्रेशन 0.1 m की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 0.1 m। अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ PYQs, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं बेटा जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए PYQ सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से। अब एक क्वेश्चन है कि 1 molar सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 moles ऑफ सॉल्यूट, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, बेटा चार ऑप्शन देने की जरूरत है क्या आपको? चार ऑप्शंस देने की जरूरत है। 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बी, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन नीचे, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है बेटा? देखो 1 molar, मोलर का मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी अगर 1 है तो 0.5 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम होगा? अब तो वॉल्यूम ही आएगा, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में है, यानी इन दोनों को करते हैं कट। और मोलैरिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आंसर सही है, ठीक है बेटा। इस अब देखो जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टॉपिक्स थे, स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ था मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो भी था वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है बेटा। और अब
वीडियो का एंड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी बेटा आपकी आएगी सॉल्युबिलिटी पे, जिसमें हेनरीज लॉ होगा, उसके भी डिटेल में पढ़ेंगे। नीड JEE और CBSE बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, A to Z अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, जैसे ही आप उसको दबाओगे उसका रेड कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं यकीन आता तो चेक कर लो, और नीचे बेल आइकन भी दबा होगा बेटा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आ जाए।